क्या याद आ रहा है? तू बता मेरे से प्यार करती है कि नहीं? बता बाबू। हाँ भाई लिखता हूँ ना भाई, क्यों लेके नहीं घूमू इसको यार। शी इज माइन फ्रेंड, क्लोज क्लोज फ्रेंड भाई। यार वो है छोटे मोटे हिसाबों में, ठीक है भाई, गलती हो गई। हाँ 272 रुपए मेरे को, तो उसका हिसाब रखता हूँ पूरा का पूरा उसके अंदर। तो फिर 2 करोड़ 72 लाख इतना आराम ज्यादा इंसान है ना, इतनी मोटी संख्या तो नहीं लिखी इसके अंदर। वो तो पॉइंट के बाद 000 लगाए हुए, जिससे कि देखते लगे कि पता नहीं क्या ही चीज है इसके अंदर। तो एक से बढ़कर एक नमूने बैठे हैं हमारी गाड़ी में। थैंक यू भाई, हम लोग कॉफी पीने आए थे, कॉफी नहीं चाय। तो चलते चलते 1 किलोमीटर चलते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग डार्क ऑफिस में घुस गए कॉफी की जगह। चल चल चल, मेरे को लगता है इसके जो अगली वाली गली है ना उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक की है। इसके जो आगे गली आएगी यहाँ पे, हेलो मिर्जा इस्माइल, क्या नमस्कार। तो मिर्जा तो ये वाला है आगे, क्या डाला है तूने? इंडियन कॉफी हाउस ये वाली गली है, इसके अगली वाली है। हमारे इनको तो गूगल मैप देखना भी नहीं आता, उसमें लाइव लोकेशन चल रही है वो भी नहीं बता सकते ढंग से भाई ये लोग। नमस्ते नमस्ते। और ये बंदे सीए कर रहे, बताओ। जयपुर की पुरानी गलियां यार, पहले जयपुर कैसा ऐसा था ये बताओ, उस टाइम अपन नहीं आए थे। ऐसा ही है वैसे तो, हां ओल्ड जयपुर तो ऐसा ही है। फाइनली मिल गया इंडियन कॉफी हाउस, बाहर एमआई रोड के जस्ट अंदर छोटी सी गली है, उसके अंदर जाके हालांकि दिख ही नहीं रहा हमको भाई, काफी ज्यादा ही पुराना नहीं है ये? बहुत ज्यादा पुराना है भाई ये तो। कॉफी नहीं चाय, मैं तो चाय पीऊंगा, हॉट चाय इडली फ्राई भाई। ये इडली भाई सच में फ्राई करके दिए बंदे ने, उसमें तेल में तल के दिए। किसने दिया है सांभर भाई? तेल तो कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया। एक और आ गया अपना, सांभर ही सांभर होगा मार दो, इतना सारा सांभर ही सांभर भाई। हमारे पास में पहला आ चुका है ये फ्राइड इडली, जो कि सच में फ्राई करके दी, हम लोग सोच रहे छोका मार के देंगे फ्राई करके दे दी इन लोगों ने। और एक है मसाला डोसा, पहले इसको खा के देखता हूँ मैं कैसी है। अभी तू भी खा, जो क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा है ना गाइस, दूसरा है अपना डोसा, मसाला डोसा। वही देख मसाले में तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, नो डाउट, बहुत अच्छी सुंदर सी खुशबू आ रही है। बाकी इसको एक बार और अच्छे से ट्राई करते हैं। बाकी डोसा तो भाई बेंगलुरु का अच्छा था, चीज टमाटर। गाइज ये सब कुछ हमने ऑर्डर किया था, मसाला डोसा काफ़ी अच्छा है, चेक कर लिया, ये काफ़ी अच्छी चेक कर लिया। ये हमारे वेज कटलेट्स है और ये हमारा ऑमलेट है। हम लोगों ने सोचा था ऑर्डर दे देते इतना, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर अपन ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ऑमलेट है ये तो मेरा है, सुगंध से पता आ जाएगा, सुंदर लग रहा है भाई। इसको पीछे कर, इसको अटैक बार इसको, ऑमलेट और ये आगे वेज कटलेट्स। भैया क्या बात है, मेरे को भाई एक तो इंसेक्ट, लेकिन और आज मैं ट्राई करके देखता हूँ, खा के देखता हूँ। खाई वो घुस गया, घुस गया ऑमलेट। अच्छा भाई एक सेकेंड, मैं वेज कटलेट की बारी। भाई कोई कटलेट नहीं, जो उसका मसाला है ना उसी मसाले को फ्राई करके दिया है। और बता दो तेरे को, वेरी वेरी क्लियर कटलेट ठीक है, तो कोई खास नहीं है। कटलेट है खाते बीट रूट वाली, वो काफ़ी अच्छा थे, इतने कोई खास नहीं था। आलू का मसाला उसको फ्राई करके दे दिया बस। गाइस ये आ चुकी है हमारी स्पेशल कॉफ़ी, स्पेशल हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर, ठीक सी लगी है। साथ में ये उन लोगों ने मुझे चीनी भी दी है, साथ के हिसाब से निकालो टेस्ट के हिसाब से। हाँ ये हटा दो, इसको देखे प्रॉपर ऑथेंटिक वाले तो होते ना, प्रॉपर कप बोल ऐसा। कॉफ़ी अच्छी है।
मम्मी और मम्मी के फ्रेंड दोनों गए थे। मम्मी एक एक्सप्लेनेशन दे रही मेरे फ्रेंड्स को, उनके नहीं लगी, ओनली मम्मी के। उतने सिर्फ इज्जत बनाने के लिए होते हैं। जब मैं इसके घर पे जाता हूँ ना, तब मैं भी ऐसे ही होता हूँ। हाँ आंटी, सही बात है। भाई घर पे इज्जत किसी की भी नहीं होती। बात तो ये भी नहीं, ये भी है, लेकिन जो भी है ना भाई, देख मेरी बात, बिचारी बच्चियां, भाई बच्चे नालायक, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे घर पे लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। अगर मेरी मतलब मम्मी यहाँ बैठी है, अगर अपन दोनों इसके खिलाफ कुछ और बोल दिया ना, फिर सोच तेरी मेरी लड़की होता, फिर अभी इतना प्यार देते हो आप, मैं बैठी। अगर तू लड़की होता तो तू मेरी बहू होती, बिना शादी हो जाती, मैं पहले गर्लफ्रेंड बनाता फिर तू मेरी बहू होती। रिश्ता पक्का पहले हो जाता, आजकल तो हो जाता। अब नहीं हो सकता यार वो, अब की वाली बात नहीं भाई, अब तो दो भाभी आएगी बस। नहीं हमको तो पता है, हम तो लेके आएंगे, वो भी दहेज के साथ। देखो शादी के बाद इसका खाना पहला मेरे यहाँ होगा, मेरी शादी का पहला खाना होगा, तो वो भी दहेज के साथ आएगा। मम्मी हमारा सब कुछ ऐसे थोड़ी, बिना दहेज के तो हम लड़की नहीं देखते। पहले बोलो धन कितना है। हाँ तो जब हम लोग 10 करोड़ रुपए मांगे तो 100 करोड़ के तो मम्मी तो होने चाहिए ना, खिलाएंगी क्या वो, क्या सोनी की रोटी खाएगी, टिकड़ी खाएगी वो भी, रोटी सब्जी और क्या जी। अब तुम खत्म करके बताओ इसको, और रोटी मोटी मोटी आंटी, 4 अंडी मिनिमम तो ये, उसके बाद आपकी इच्छा है। हाँ और अच्छा रोटी इतनी मोटी मोटी, अच्छा और फिर मेरी मम्मी हरियाणी में तो टोन लगा के बोलती है। कहा मेरे को तो आदत है, बेचारा ये आता है, अरे यार ये बेचारा डर के मारे एक एक्स्ट्रा खा के जा जाता है घी के साथ। अपनी अच्छी नहीं होती मम्मी, अपनी आवाज़ें डरावनी होती। इनकी भी बनारसी मम्मी, बेसिकली बनारस से ही है। हैं हम यूपी में ऐसे क्या बोलते हैं, ये है ना जैसे जैसे खाना वाना के लिए, जैसे कोई आ रहा है तो खाना वाना खाओ, तो उसको यूपी में क्या बोलेंगे, मीठा। यूपी वाले ना घर पे आते तो पहले मीठा ही खाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। तो मैं तो यहाँ का हूँ ना, मैं इसके घर पे जाऊंगा। यूपी मेरे से पीछा नहीं छुड़वाते, राजस्थानी में अकेला ही मिला है। सर यूपी से भरे पड़े। एक आर्यन है वो जरूर सीकर झुंझुनू से, वो शेखावटी साइड का हो गया, शेखावटी साइड का, वो लगता नहीं शेखावटी साइड का, उसकी कोई आवाज ही नहीं है ऐसी। एक दिन वो जिम में था तो मैंने उसको बोल दिया, मतलब ऐसे बोला, भैया इनका नाम क्या है, मैं क्या मोहम्मद आर्यन सैनी जोसेफ, बोले ये क्या है, मैं क्या देख ले अब तू। हम वो बंदा कन्फ्यूज हो गया, कर क्या रहा है वो, क्या आर्यन बेसिकली यहाँ पे जीसस का वो पहनता है लॉकेट, तो एक बंदा आता है यार वो जीसस वाले भैया आते हैं ना, जीसस जी जी उन्होंने, मैं जीसस जी, मैं भाई यार आ जाओ कुछ यहाँ से, कितना गोरा हो रहा हूँ भाई, गोरा तो मैं भी हूँ, आ जा बूढ़ा, ये बैठ रहे तू, आ जा इसके आगे क्या रहा यार ये, ओए आराम से आराम, बाबू को लगा देना यार, मेरा वाइपर भी तेरे को नहीं जाने देता, मेरा वाइपर भी इसको जाने दे रहा बेचारी को। तुमने क्या बात कर रहा है, अच्छा भाभी के लिए स्कूटी ले रहे क्या, कोई बात नहीं यार, घर में सारी फोर व्हीलर हो रही है, टू व्हीलर का काम ही नहीं है, तो मत लेना, तो काम ही नहीं है तो रहने ही देना इस काम को, तो रहने सेवन सीटर में मैं हाई क्रॉस ले रहा हूँ। हाई क्रॉस ये वाली कौन सी आ गई, टोयोटा वाली हाई क्रॉस, सही है फिर, क्या दिक्कत है। अब रौनक को छोड़ रहा हूँ वहाँ, सरपी को छोड़ूंगा, फिर मैं जाऊँगा जिम, और उसके बाद में छोटे मोटे काम है, फिर हम लोग को काम करने के लग जाएंगे। भाई देखिए यहाँ से मैं गोरा आ रहा हूँ, हमारे अंदर साले यही दिक्कत है, हम लोग तीन रहते हैं तो तीनों एक दूसरे को बोलते गोरा कौन है, फिर हमारे सामने लक्की आ जाता है, फिर हम चुप हो जाते, फिर हम तीन काले एक तरफ हो जाते, उसको अकेला छोड़ देते, तू आ जा ताऊ, तो ये साला गोरी गाड़ी लेके क्यों आ रहा है मेरे सामने। तो गाइस हमने रौनक को छोड़ दिया है, बड़े ही नरम आंखों से इन्होंने बाय बाय किया, दुख होता है बहुत, जब वो आया तो ऐसे गले मिला जैसे तो प्रावा अब गया है, तो मैं क्या शिट यार, शिट जिगर का टुकड़ा, अगर वो लड़की होता या मैं लड़की होता तो हम एक दूसरे के होते फिर, तो जिगर का टुकड़ा
जो है उनको बाय बाय करके आए हैं और पिकअप में छोड़ के आए उनको पिकअप में छोड़ के आए हैं माल की डिलीवरी के हिसाब से। और बाय द वे मेरी टोपी अच्छी लग रही है, टोपी मेरी है लेकिन ये टोपी में अच्छी लग रही है। एक ही बात है, तेरा और मेरा अलग अलग। नहीं बिल्कुल नहीं, जो तेरा है वो बिल्कुल 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 जो तेरा है, नहीं देख जो मेरा जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। जो मतलब, तेरा है वो मेरा नहीं है। नहीं, नहीं, तू मेरे पास में, अरे तू मेरे पास में, तू मेरी है तो फिर वो भी तो तेरा ही हो गया ना। सब कुछ अपना ही है, मतलब मिल बांट के खाओ, इसमें तो क्या तेरा क्या मेरा, ठीक है सब अपना ही है इसमें तो। वेरी गुड, सब अपना है तो इसकी टोपी भी मेरी, इसकी गाड़ी भी मेरी, यस अरे इसकी प्रॉपर्टी भी मेरी, ज्यादा फ्रेंड नहीं हो रही, इसका इसका पैसा भी मेरा। हां कोई बात नहीं, कोई बात, अरे ले लो यार क्या दिक्कत है, तू भी मेरी, ठीक है मैं भी तेरी, हटा बहन हो गई बात। चलते फिरते कैसे किसी को भाई बहन बनाना नहीं चाहिए। एक बार इसकी मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो पता नहीं कुछ तो बात हुई थी, तो मैं अरे एक बार बहुत पहले बात हुई थी जो अपने भाई बहन ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो तूने बोला था ले मम्मी को बोल, तो मैंने आंटी को बोला था आंटी हर लड़की बहन नहीं होती। हाँ और अभी भी अभी तो भाई बहुत मतलब रौनक आता है, रौनक मम्मी के सामने होता है, बहू बैठी है कैसी लग रही है आपको, मम्मी बोल मम्मी थोड़ी कश्मकश में पड़ी, मम्मी बोली यार है मम्मी बोली नहीं मेरे बेटे के लिए तो मैं ही लेकर आऊंगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोपी लगा के जाऊंगा, सुंदर तो लग रही है भाई मेरे को लाइफ में पहली बार ही आज इतनी सुंदर लग रही है, मेरे को उससे पहले कभी नहीं लगी। टोपी के बाद जरूर थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, कोई अच्छी लग रही थी तो मैं वैसे अच्छी नहीं लगती। तुम तो वैसे भी अच्छी लगती, मेरे तो आज पप्पियां निकल रही हैं, इतनी अच्छी लग रही है आज, बहुत क्यूट सी लग रही है। ओ यार सही में कैमरा फेस कैसे करना है इस बेचारी को आता नहीं है, हमारी भूल ही रह गई यार। यार कैमरा फेस क्यों नहीं आता तेरे साथ, रह रहे के करना आ गया वैसे। बिल्कुल बिल्कुल मेरी पॉडकास्ट में तू भी चलना है ना, देख वाइफ तो हर जगह साथ में चलती है ना, बिल्कुल चलेगी तू, आई एम श्योर। और अगर कोई इससे अच्छी लड़की हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करना, मैं उसको वाइफ बना दूंगा। मुझसे अच्छी तो खैर का कौन ही है। ओह ये तो हर वाइफ को लगता है, मैं हूँ, कोई और है, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। शायरी कर दी भैया, दिवाली आ रही है, हाथों में दिया लेकर भी ढूंढेगा तो भी मेरे जैसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिया छोड़ टॉर्च लेके जाऊं तो तेरी जैसी नहीं मिलेगी। अरे तू मशाल लेकर जा तो ही नहीं मिलेगी। ये बात तो है यार, तू तो तू ही है इधर, खुशी हो तेरी बराबरी थोड़ी कोई कर सकती है, मेरी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता भाई, मेरे को तो मतलब मैं मेरे से ऊपर हो सकता है लेकिन मेरे जैसा कोई। हां हां ये तो तूने गरम ये गीला तौलिया मारा है फिर उसको कवर किया ना। नहीं नहीं मतलब ये रियलिटी चेक जरूरी है, मतलब ज्यादा के हवा में उड़ना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। मेरे को पता है मेरे से अच्छी अच्छी बहुत है, लेकिन मैं तो मैं ही हूं, मैं तो मैं ही हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है। और अगर होगा भी तो मैं तो अकेली एक पीस हूं, मैं तो एक ही पीस हूं भाई मेरे से, बिल्कुल भाई मेरे जितना महान इंसान। नहीं महान मत बोल, महान ये अभी अपनी मम्मी के सामने मेरी तारीफ करके आया है। इसने बोला है कि अर्पिता तो बाबू है, अर्पिता तो क्या बहुत भोली है लिटरली यार, मतलब एज कम्पेयर टू आज के जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं उनको हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी भोली है, ये और मेरे बबूड़ा, ये दोनों ऐसे इंसान है, प्राणी है, तो ये दोनों काफ़ी भोले हैं। तो मम्मी के सामने तो मैं बोलता रहता हूँ मेरी बाबू आ गई, ये आ गई, तो मम्मी का तो ठीक है, मम्मी मेरी चिल है थोड़ी, मैं ठीक है, मैंने वो चिल थी नहीं, मतलब ये नहीं, हरियाणवी मॉम प्योर देसी, वो चिल थी नहीं, उनको चिल मैंने बनाया है। सो अब तो मैं कोई भी जैसे रौनक का भी आता है तो बोलता है मम्मी बहू कैसी है, तो ठीक है मेरे घर में चल जाता है, इतना कोई खास इतना है नहीं, ठीक है इतना चलता रहता है, बहू बनेगी सबकी सब देखी जाएगी, हाल फिलहाल ठीक है, घर पे आना जाना लगा रहता है। कुल मिला के बात ये कि इसने आज, मैंने खुद देखा कि पहली बार इसने मेरी तारीफ की, मतलब ऐसे सीरियसली, बहुत एकदम सीरियस मोड में जाके, वैसे मजाक मजाक में तो कभी भी कुछ भी बोल देता है वो अलग बात है, लेकिन सीरियस मोड में पहली बार देखा मैंने इसको मेरी तारीफ। तो बहू भी तो बनाना है फिर, करनी तो पड़ेगी ना, मम्मी तैयार नहीं हो, मम्मी मम्मी कश्मकश में, बनाओगी नहीं बनाओ यार इसको क्या चल रहा है, मम्मी बनाएंगे बनाएंगे रुक जाओ, ये तो अभी बोले थे मैं चाय बना के लेके आती हूँ, ज्यादा मत कर, बैठ जा दो मिनट बाद में बनाना। नहीं मैंने ये नहीं मतलब मैं बना के लेके आती, मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ चल मैं तेरे से बनवाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, तो वैसे तो बाहर तो यही बोलते ना कि मैं बना के लाती हूँ चाहे आप चलो बाद में, अंदर अदरक तो मैं ही कूटता हूँ, मम्मी के सामने तो बोलना पड़ता है ना बहू को कि चलो ठीक है, क्योंकि मम्मी फिर क्या बहू के सामने बेटे का ऐसे नहीं देख सकती कि बेटा कैसे काम कर रहा है, बेटा दबना और ये होता है कि बेटा एक ऐसी चीज होती है ना माँ और बहू के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है उसको, तो माँ के सामने तो वो थोड़ा ऐसे रहता है और बहू के सामने बेबी, ऐसा होता है जस्ट लाइक मी, भीगी बिल्ली।
नहीं नहीं कुछ भी नहीं, भीगी बिल्ली क्या होता है। गाइस मेरे को एक चीज तुम लोग कमेंट करके बताना कि मेरे को बाल कटवाने चाहिए कि नहीं। ये देखो कटवाने चाहिए इसको, हर कोई बोल रहा है। इसके घर पे गए थे, इसकी मम्मी ने बोला, इसकी दीदी ने बोला, रौनक ने बोला, मैंने बोला, सब कोई बोलता है इसको कि बाल कटवा दे, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कटवाता। क्या पता क्यों नहीं कटवाता, मेरा दूर दूर तक मन भी नहीं हाल फिलहाल। बिकॉज भाई मैं ये मतलब मेरी ऐसी मेंटालिटी है कि जितने भी लुक है ना अपने ऊपर ट्राई करते जाओ, बियर्ड से लेके बाल से, जो भी लुक ट्राई करते जाओ ना, अच्छे भी तो लगने चाहिए ना। अच्छे होते नहीं अच्छे, अरे पी अच्छे बनाने पड़ते हैं, जब लोग देखते जाएंगे करते जाएंगे ना, मैं अचानक छोटे करवा लूंगा ना फिर अलग लुक हो जाएगा, फिर यार पहले वाला फिर थोड़ा ठीक था, ये वाला इतना सही नहीं लग रहा, ये नॉर्मल चीज है। तू पहले पहले जैसे छोटे करवा लेगा ना तो इट वुड बी, अगर मैं करो कटवाऊंगा ना तो फिर बिल्कुल बस कट करवाऊंगा, बिल्कुल यहां तक इतने छोटे छोटे, अरे इतने छोटे छोटे हैं। हां यार मैं मोटी हो गई क्या यार, दिखा ना तो हो गई, मतलब वैसे शक्ल ऐसे गोलू गोलू हो गई तेरे, बोल रहे डबल चिन आ रही है ऐसे करे डबल चिन, हां मेरे तो जॉ लाइन आ रही है, मेरे डबल चिन। तो यार ये जिम फ्रीक बंदे, हां तुम कल पता है मैंने हाई प्रोटीन खाना खाया, ओहो भाई साहब हाई प्रोटीन खाना, हाई प्रोटीन, उसमें ऐसा क्या खाया भाई तूने? यार उसमें ना मेरी बहन ने ओट्स और मूंग दाल का चीला बनाया था। हैं भाई ये कैसे बनता है? अरे वो मूंग दाल और चावल को सोख करके और फिर उसको पीस के उसमें ओट्स, तो अगली बार घर पे पैक हो गया करने चुपचाप। मैंने नहीं बनाया था, मेरी बहन ने बनाया था। कोई बनाया हो, बनाया तो है ना खाना, ताने अच्छा खाना बनाती है यार। हां एक्चुअली मेरी बहन मुझसे ज्यादा बेटर खाना बनाती है, बनाना पड़ेगा। यस ले उसको अपने घर को भी, हां लेंगे भाई। क्या बनाती है पता है वो पास्ता तो इतना अच्छा बनाती है ना, मतलब खिलाती जा। अरे कैसी बात, तू तो बनाना, कौन मना कर रहा है? मैं तो जा रही थी तेरे किचन में चाय बनाने, लेकिन तूने मना कर दिया। हां मम्मी को हटड़े का जाता यार इतनी जल्दी, मम्मी मम्मी बोले, मम्मी बोले ये तो पहली बार खा रही है, तो उसका दोस्त उसको लुगाई भी बना रहा है और ये चाय बना रहा है, भाई क्या चल रहा है? ज्यादा हो जाता वो, मैं नहीं वे चैट धीरे 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 करेंगे। अचानक मम्मी के वैसे ही लगी हुई है अभी, और मम्मी के कलेजे में दर्द हो जाता है, यार बेटा भी क्या कर रहा है भाई। नहीं यार लेकिन आंटी ज्यादा लगी है, ज्यादा तो लगी है मम्मी, लेकिन मम्मी बताती नहीं है। ये मेरी मम्मी की हो गया ठीक है, बाद में तो वो शुक्र मानो बोरो प्लस वहाँ से हटी, तब देखा मैंने, तब जाके पता पड़ा काफ़ी लगी है, लेकिन हो जाएगा रिकवर हो जाएगी, मम्मी रेस्ट लेगी ना तो अपना आप रिकवर हो जाएगी। आज यार मैं बियर्ड कटाऊंगा, अरे यार एक सेकंड गाइस एक नया लुक और, अरे गेट लगा गेट लगा, ये कलेक्टर कहाँ लगाऊंगा ये वाला, नो कलेक्टर लगाने नहीं आता भाई। वाओ गाइस कमेंट करो ये वाला लुक, ये वाला कैसा लग रहा है? ये बेस्ट लुक है, तू ऐसे ही जिम जा आज, तू कैमरे को ऊपर कर पूरा अच्छी तरह दिखा, मैं तो आ ही नहीं रहा। अरे आ तो रहा पूरा, मेरे बाल नहीं आ रहे ना देख, मेरा ईफल टावर, ईफल टावर था, एफिल टावर होता है, एफिल टावर, और तो मेरा एफिल टावर तो आ ही नहीं रहा ना। एक एफिल टावर पेरिस में है और एक एफिल टावर जयपुर में है, जयपुर में लोकेश यादव के सर पर है। ओ ये क्या एक्सेंट है अरबी, अपना पूरा देखो पता है, अपना पूरा पूरा स्कोप है, अपन यूएस जा सकते हैं क्योंकि अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई, और क्या अपन यूएस जा सकते हैं, हमारा एक्सेंट इज सो गुड, और बाकी बच्चे अपने हार्डी भाई को बुला लेंगे। हां एडिशन ब्लॉग हार्डी भाई, वो तो चाइना में है, लेकिन चाइना चल चलेंगे तो जी जी नेता को बुला लेंगे, मैं जी जी यादव को, मेरी दिनों से बात होती है भाई का। ओह तब बंद हो गई थी ना तेरी बात, दोबारा चालू हो गई तो, ये तो यार थोड़े मन मुटाव के आते जाते रहते हैं, जी जी नेता ने तो वो भी निकाले अपनी कोई पॉडकास्ट भी निकाली भाई, ये अरे मस्त लग रहा है। अबे बाहर के लोग देखे कोई मिलने वाला मिल गया ना वो बोलेगा ये क्या लुक चल रहा है, मतलब देख लो, मतलब देख नहीं फ्रेंड्स, आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमता है ये, लेकिन घर पे तो किसी किसी को लेके आता हूं, घर पे तो कोई कोई आती है, और जो मेरे किचन में आ जाए, मेरे को तो जा ही नहीं दिया भाई स्निच, किचन में तू आएगी तो रुक तो सही, अभी तू तो अभी नई नई आई है, तू रुक तो सही यार, नहीं नहीं तो फिर स्कूल के टाइम से जानते हैं अपन, हां तो अभी तो घर पे तो पहली बार ही आई है, भाभी तो मम्मी ने व्लॉग में देखा तेरे को, मैं मेरी एज बता दूं क्या? नहीं अगर मेरी एज बता दी तो तेरी एज पता चल जाएगी, अभी नहीं बता दी ऐसे नहीं, अभी नहीं, हम सब चीजें डिस्क्लोज करेंगे लेकिन ऑन आवर पॉडकास्ट, उससे पहले पॉडकास्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, पॉडकास्ट के लिए भाई साहब मैं इतना सारा कंटेंट जोड़ रहा हूं ना, जोड़ नहीं रहा हूं ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है मेरे साथ में, इतने इंसिडेंट होते हैं ना कि मैं सोच रहा हूं कि अच्छे बुरे जो भी है जैसा भी ना मैं सब पॉडकास्ट पे बोलूंगा, मतलब काफी इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट रहेगी मेरी, मतलब ऐसे हंसी मजाक रहेगी, पॉडकास्ट नहीं होगी वो होगी सीरीज,
वो भी पता नहीं कितनों घंटे की। मेरे किस्से इतने होते भी लाइफ में यार, कोई ये किस्सा ही नहीं है भाई। सही, मैं पता है कुछ भी चीज होती है या कुछ भी अगर भाई जान से बता रहा होता है यार, ये नहीं बताऊंगा, ये तो पॉडकास्ट में सुनना मेरी। मैं आ रहा है सच में यार भाई, मेरे साथ में इंसिडेंट इतने होते हैं यार। बिकॉज़ मैं बताऊं यार, मैं इतनी जगह जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, कहीं और चला गया, फिर मैं रियल एस्टेट को भी, मेरे फील्ड काफ़ी है, लोग काफ़ी हैं, तो मेरा हर एक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इंसिडेंट होते रहते हैं मेरे साथ में। और कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि एक को क्यों, सबको पता चलना चाहिए। मोटिवेटिव भी है वो, और काफ़ी ऐसे हंसी मजाक वाले भी हैं वो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट में ही डिस्क्लोज करूँगा, बस उस टाइम वो चीज़ें मेरे को याद आ जाए, या फिर मेरे को पता होगा ना मेरी पॉडकास्ट आ गई, मैं लिख के जाऊँगा, नोट्स में लिख लेना, फोन नोट्स में लिख लेना, हाईलाइट की पॉइंट्स स्टार बना के, क्योंकि मैं मेरी और वैसे भी कॉपी किताब तो मैं हमेशा साथ में रखता ही हूँ। एक बात है पता है, पहले मेरे को है ना बैग्स का शौक था कि मैं कहीं भी जाऊँगा बैग मेरे साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब मेरे साथ में बैग के साथ साथ में कॉपी और पेन, ये दो एक ऐसी चीज़ होगी ना, मेरी कलम और मेरी किताब, मैं इनको कहीं छोड़ ही नहीं सकता। मतलब मैं कहीं पर भी जाऊँ ये तो मेरे साथ में, मैं बेंगलुरु गया था तब मेरे साथ में थी। कुछ भी चीज़ होती है ना, एक आजकल एक अलग चस्का लगा है बुक्स रीडिंग का, लिखने का एक अलग मेरे को शौक है इन सब चीज़ों का। बस नौ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ऐसे ही शौक होते हैं गाइस, समझ लो। मैं भी उस सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूं, बड़े-बड़े सीढ़ियों पर ही तू चढ़ चुका। नहीं, जिस दिन नौकरी छोड़ दूंगा उस दिन चढ़ दूंगा मैं कि यस अवन चढ़ चुका। वो काफी इमोशनल लॉग होगा मेरा जिस दिन मैं मेरी नौकरी क्विट करूंगा, काफी इमोशनल होगा, बहुत खुशनुमा होगा। खुश भी होगा लेकिन इमोशनल भी होगा, बिकॉज़ वहां से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा यादें मेरी वहां पे लोगों के साथ में, उस माहौल के साथ में, तो दोनों चीजें होंगी, इमोशनल भी होंगी साथ में, खुशी भी। वहां के किस्से सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेंगे वो। लेकिन देखते हैं, वो पॉइंट का बात है कि मैं मेरी नौकरी छोड़ूंगा, देखते हैं, अभी हाल फिलहाल तक का कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ जरूर होएगा, कभी ना कभी तो होएगा, ऐसी बात नहीं, आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा ऐसा।